हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग रिपोर्ट्स। तो गाइस, आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो गाइस, क्या आपने मुझे मिस किया किया हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे अपने ओपिनियंस। वैसे गाइस, सर्वाइवर सीरीज़ कैसा लगा आप सभी को, उसका भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो गाइस, अब हमने नेक्स्ट पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि गाइस है रॉयल रंबल। गाइस, रॉयल रंबल में काफ़ी इंटरेस्टिंग और गाइस काफ़ी सारे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। रूमर्स आ रहे हैं कि गाइस इस बार रॉयल रंबल 30 मैन रॉयल रंबल के बजाय 40 मैन रॉयल रंबल होएगा। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना। और गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस हमारे चैनल पे 100K जल्दी से जल्दी करवाने का मिशन मैंने बनाया है। तो गाइस, क्या आप इस मिशन को अचीव करवाने में मेरी हेल्प करेंगे? तो गाइस प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, मैं भी 100K करवाना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइब। और गाइज, फेस रिवील भी 100K मैं करवा कर ही लूँगा मैं गाइज आप सभी के लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो गाइज, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंक्स के ओपोनेंट के बारे में। तो गाइज, रूमर्स आ रहे हैं कि गाइज रॉयल रंबल में रोमन रेंक्स का ओपोनेंट शेमस हो सकते हैं गाइज फॉर दी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। ये गाइज पुराने रूमर्स थे, जो कि गाइज मैं किसी कारण वीडियो में नहीं बता सका आपको, लेकिन गाइज अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि गाइज रूमर्स फिर से चेंज हो गए हैं और गाइज इस बार हो गए हैं रूमर्स ड्रू मैकइंटायर की तरफ। तो गाइज इस बार रूमर्स आ रहे हैं कि गाइज रॉयल रंबल में रोमन रेंक्स के अगेंस्ट तो होंगे, लेकिन गाइज इस बार ड्रू मैकइंटायर भी इन्वॉल्व होंगे शेमस और रोमन रेंक्स के मैच में। तो गाइज ये मैच बन सकता है ट्रिपल थ्रेट, क्योंकि गाइज शेमस और ड्रू मैकइंटायर की हमने पिछले राइवलरी यही देखी है कि गाइज कभी ना कभी कोई ना कोई धोखा दे देता है, कभी शेमस धोखा दे देते हैं ड्रू मैकइंटायर को, तब तक देखा नहीं है। तो गाइज क्या पता इस बार ड्रू मैकइंटायर ही शेमस को धोखा दे दे, बिट्रेट कर दे गाइज, और गाइज हमको ड्रू मैकइंटायर का हील टर्न भी देखने को मिल सकता है इसी के साथ। तो गाइज ये फिलहाल रूमर्स हैं रॉयल रंबल के। गाइज क्या आप ये मैच को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो गाइज मैं आपको एक रूमर और बता देता हूँ कि गाइज रॉयल रंबल का किक ऑफ मैच हो सकता है रोमन रेंग्स और ड्रू मैकइंटायर और शेमस का, ये जो भी मैच अगर होता है तो। वैसे गाइज हमको पता है कि गाइज इस मैच में विनर रोमन रेंग्स ही होंगे, क्योंकि गाइज ड्रू मैकइंटायर और शेमस को हराना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी रोमन रेंग्स के लिए। या फिर गाइज एक और रूमर भी है कि गाइज मेन इवेंट तो होता ही है रॉयल रंबल मैच, मेंस रॉयल रंबल मैच, और गाइज उसके पहले भी करवा सकती है WWE ये। तो गाइज उसके जो मैंने सेकंड बताया गाइज इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जब रोमन रेंग्स ड्रू मैकइंटायर और शेमस को डिफीट कर देंगे तो गाइज रोमन रेंग्स वहाँ से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि गाइज रोमन रेंग्स कमेंटेटरी पर बैठेंगे जहाँ पे वे माइकल कोल वगैरह बैठे रहते हैं। तो गाइज वहाँ पे बैठ के रॉयल रंबल का भी मज़ा लेंगे रोमन रेंग्स साथ ही में, और गाइज जो कि मतलब जो भी इनके खास अपोनेंट्स हैं जो कि गाइज रॉयल रंबल में आएंगे उनको ये मतलब उनको बिछलाएंगे और गाइज उनको एलिमिनेट करवा देंगे द उसोस के सहारे या फिर सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन के सहारे। वैसे गाइज मैं तो चाहता हूँ कि गाइज सैमी ज़ेन भी रॉयल रंबल में आए, गाइज वे सारे सबको एलिमिनेट करें, और गाइज फिर सैमी ज़ेन कैसे एलिमिनेट होते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ये देखने में इंटरेस्टेड लगेगा मुझे गाइज। कहीं हद तक मैंने सोच भी लिया है, क्योंकि गाइज सैमी ज़ेन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन गाइज जो उसोस हैं और गाइज सोलो सिकोवा हैं ये भी शायद रॉयल रंबल में खड़े उतर सकते हैं, जो कि गाइज हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। तो गाइज इनको कौन एलिमिनेट करेगा? तो गाइज जैसे कि हमको पता है कि गाइज समोन फैमिली में फिलहाल 4 लोग हैं, जो कि गाइज सैमी ज़ेन तो इन्वॉल्व हैं, खैर उन्हें भी समोन बनाने की तैयारी है, लेकिन गाइज उनको नहीं मानते हुए मतलब उनको एक तरफ रखते हुए वैसे भी 5 समोन बैठते हैं, जो कि गाइज हैं द रॉक को मिला के, क्योंकि गाइज रूमर्स आ रहे हैं कि गाइज रॉयल रंबल में द रॉक भी अपना रिटर्न करेंगे। तो गाइज क्या पता हमको सैमी ज़ेन और उसोस यानी पूरी ब्लड लाइन को अकेले ही द रॉक के लेने में कर दें, और गाइज ये हो भी सकता है, क्योंकि गाइज सोलो से को 8 बजे टक्कर देंगे, लेकिन गाइज बाद में वे भी लेने में हो जाएंगे द रॉक के सहारे, जो कि गाइज बड़ी बात नहीं है। बाकी गाइज 40 मैन रॉयल रंबल मैच होगा, तो कि गाइज ये भी रूमर आ रहे हैं कि गाइज नंबर 25 के बाद जैसे हमको स्पेशल रिटर्न देखने को मिलते थे वे 5, जैसे कि हमने 2017 में भी देखा था ब्रोक के बाद गोल्डबर्ग है, गोल्डबर्ग के बाद अंडरटेकर है, अंडरटेकर के बाद रोमन रेंग्स, ऐसे ऐसे होता गया। वैसे ही गाइज इस बार 35 से शुरू हो सकता है, या फिर गाइज 30 के बाद जो 10वें स्पेशल होंगे वे वहाँ से शुरू करा जा सकता है, तो स्पेशल जो रिटर्न होंगे उनमें गाइज इन्वॉल्व है कोडी रोड्स, सीएम पंक और ये क्रिस जेरिको वगैरह जैसे नाम हैं ये इन्वॉल्व हैं रॉयल रंबल के लिए,
जो कि गाइस रिटर्न करेंगे। और गाइस दारोक तो है नहीं होंगे, जो कि गाइस काफ़ी सालों से मतलब रूमर में आ रहे हैं कि गाइस रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे, इसमें रिटर्न करेंगे उसमें। तो गाइस यहाँ से शुरू होएगा रोमन रेंग्स और द रॉक का रोड टू रेसलमेनिया का। और गाइस क्या पता उसके बाद कभी, देखते हैं गाइस ये होता है या नहीं। वैसे आपको गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। गाइस सब्सक्राइब करने को तो मैंने आपको कह दिया है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना कहीं मत जाना। प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 100K काफ़ी दूर है गाइस फिलहाल तो। लेकिन गाइस अगर आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो गाइस हम उस टारगेट को भी जल्दी अचीव कर लेंगे। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नए वीडियो यहाँ तक देखे तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।